हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और महत्वपूर्ण सेशन में। इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है, झारखंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, उसके बारे में इस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त तक जो भी करंट अफेयर्स बने हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं और उन करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये रहे आपके बाकी क्लासेस का शेड्यूल। सुबह 5 बजे एक क्लास आप देख पा रहे हैं, ये क्लास, ये वाली क्लास है जो अभी आप देख रहे हैं, झारखंड के डेली करंट अफेयर की क्लास, और झारखंड एजुकेशन हब के इसी यूट्यूब चैनल पे ये क्लास होती है। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा होता है उसके बारे में समझते हैं सुबह 6 बजे की क्लास में। और ये क्लास SSC टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे होती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। रात को 9 बजे वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, ठीक है। उस क्लास में झारखंड जीके के मिसलेनियस MCQ के बारे में देखते हैं। तो सभी क्लासेस के शेड्यूल आपको पता चल गए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है? तो रोजगार मेला का आयोजन झारखंड के किस प्रमंडल में किया गया है? बात करेंगे रोजगार मेला की तो कोल्हान प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला, कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला का आयोजन हाल ही में कोल्हान प्रमंडल में किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो कोल्हान प्रमंडल में, कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला का जो आयोजन है वो किया गया है 18 अगस्त को, और इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 10,200 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया गया है, यानी नियुक्ति पत्र जो है वो दिया गया है। तो कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला आप ये देख सकते हैं कब, 18 अगस्त को। कितने लोगों को? तो 10,200 लोगों को रोजगार जो है वो दिया गया है। कहां पे? कोल्हान प्रमंडल में। अब आप बोलेंगे सर ये 10,200 लोगों को रोजगार कैसे दिया गया, नियुक्ति पत्र कैसे दिया गया? तो सरकारी मत सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि सरकारी नौकरी मिल गई अब आप शादी कर लेंगे। ये जो है प्राइवेट कंपनी में जॉब दिया गया है, प्राइवेट कंपनी में लोगों को रोजगार दिया गया है। आपको अगर याद हो तो इसी क्लास में आपको बताया गया था, कुछ दिनों पहले बताया गया था कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण को शुरू किया गया है। यानी आप अगर किसी निजी कंपनी को खोलते हैं तो उसमें स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देना होगा, यानी 75% जो वर्कर्स होंगे वो वहां के स्थानीय होंगे। और ये जो मतलब कानून है, एक तरह से कानून कह सकते हैं, ये जो नियम, नियम सही रहेगा इसके लिए कहना, तो ये जो नियम है वो 40,000 तक सैलरी पाने वाले इंप्लॉय में होगा। मानते हैं कि आपने एक कंपनी खोली जिसका नाम है ए, ए एक कंपनी जो आपने खोली, और इसमें आपने 100 लोगों को रखा जिनकी सैलरी 40,000 से कम है, किसी की 30, किसी का 20, किसी का 10, किसी का 15, तो उन 100 में से आपको 75 लोग जो है वो स्थानीय लेने होंगे। तो इन्हीं स्थानीय नीति के आधार पर कहां पे, कोल्हान प्रमंडल में एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया, और इस रोजगार मेला में 10,200 युवाओं को रोजगार दिया गया, नियुक्ति पत्र दिया गया। किनके द्वारा? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो अब आप बोलेंगे अच्छा सर ये सिनेरियो रहा है, रोजगार मेला का मतलब ये है, रोजगार मेला का मतलब सरकारी नौकरी देना? बिल्कुल नहीं है। रोजगार मेला से आप लोग सरकारी नौकरी को ना समझ जाएं, तब तो हर कोई आके रोजगार मेला में सरकारी नौकरी ले लेगा, ठीक है।
तो कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला का आयोजन 18 अगस्त को कोल्हान प्रमंडल में किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 10,200 युवाओं को क्या किया गया था, तो नियुक्ति पत्र दिया गया है। कोल्हान प्रमंडल की बात करेंगे, 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, यानी पूरे सिंहभूम वाले क्षेत्र को कोल्हान प्रमंडल कहते हैं, सिंहभूम वाला क्षेत्र। अब आप बोलेंगे सर कैसे आप सिंहभूम वाला क्षेत्र कह रहे हैं, सरायकेला खरसावा भी तो है, सरायकेला खरसावा पश्चिमी सिंहभूम का ही पार्ट है, सरायकेला खरसावा पहले नहीं था, 2001 में पश्चिमी सिंहभूम को अलग करके ही सरायकेला खरसावा का जिला का निर्माण किया गया है। तो सरायकेला खरसावा पश्चिमी सिंहभूम यानी सिंहभूम का ही एक हिस्सा है, तो पूरे सिंहभूम को ही कोल्हान प्रमंडल के नाम से जाना जाता है। वैसे बात करेंगे डिवीजन की, प्रमंडल की, झारखंड में 5 है, आप लोग सभी जानते होंगे झारखंड के 5 प्रमंडल के बारे में, और ये रहे झारखंड के 5 प्रमंडल, इनमें से कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला का आयोजन जो है 18 अगस्त को किया गया है, चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए राज्य में अब मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत किस वर्ग को छात्रवृत्ति दिया जाएगा, यानी मरांग गोम के स्कॉलरशिप स्कीम। तो आप लोग जानते होंगे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम झारखंड में चलता है, जिसके तहत झारखंड के कुछ छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जाता है और उनका खर्चा जो है झारखंड सरकार उठाती है। ठीक है, इस साल की बात करेंगे, वर्ष 2023 में झारखंड के 25 छात्रों को, 25 स्टूडेंट्स को ये छात्रवृत्ति दिया गया है, ये स्कॉलरशिप दिया गया है, और झारखंड के 25 स्टूडेंट्स को झारखंड सरकार अपने खर्चे पर विदेश भेजी है हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर आप लोग समझ गए। अब आप लोग बोलेंगे सर इसका क्या, अब तक ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है जिसे हम लोग मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम कहते हैं, इसके तहत झारखंड के एसटी को, झारखंड के एससी को और झारखंड के ओबीसी को, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को, इन तीनों को ही ये क्या हो, तो ये छात्रवृत्ति यानी ये स्कॉलरशिप दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें अब बदलाव किया गया है, क्या बदलाव किया गया है, इसमें अब ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ा गया है, जनरल कास्ट के जो लोग हैं वो ईडब्ल्यूएस का फायदा लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्या, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी होंगे, इस ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भी अब जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति या इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब तक एसटी एससी और ओबीसी को ये लाभ मिलता था। बात करेंगे 2022 की, 2022 में जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत झारखंड के 5 स्टूडेंट को इसको ये स्कॉलरशिप दिया गया था, और इस वर्ष की बात करेंगे 2023 की, तो झारखंड के 25 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको जितनी जानना चाहिए था सभी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में बताया गया है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएफ को अब जोड़ा गया है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जोड़ा गया है, जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें, झारखंड के कितने कौन से जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। देखिए झारखंड में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, ये आपको बताया गया भी था कि रांची में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इसमें नया क्या है, आपने तो पहले भी बताया था कि रांची में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। अभी मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है, झारखंड सरकार के द्वारा रांची में 140 एकड़ भूमि को चिन्हित कर लिया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा रांची में 140 एकड़ भूमि को चिन्हित कर लिया गया है, और इस 140 एकड़ भूमि से एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण रांची में किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेडिकल कॉलेज का निर्माण कहां पे, रांची में, और इसके लिए झारखंड सरकार ने क्या किया है, 140 एकड़ भूमि का चयन जो है वो कर लिया है, चिन्हित कर लिया है, अब जल्द ही मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। रांची, तो ये आप झारखंड के मैप में देख सकते हैं रांची, और रांची के बारे में हम लोग बहुत दिन से बात नहीं किए हैं, आइए थोड़ा रांची के बारे में देखते हैं। उससे पहले एक बार आप लोग झारखंड का मैप देख लें, और झारखंड के मैप में रांची कहाँ पे है देख लें, झारखंड के मैप में आपको बीचों बीच जो है रांची देखने को मिलेगा। ठीक है, रांची की बात करेंगे, रांची की स्थापना कब की गई थी, सबसे पहला क्वेश्चन, 1899 में, 1899 में रांची की स्थापना की गई थी,
रांची जो है पश्चिम बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। रांची के अगर हम लोग ब्लॉक की बात करें तो 18 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 18 ब्लॉक है। सब डिवीजन की बात करेंगे, अनुमंडल की बात करेंगे, तो रांची में दो सब डिवीजन है, रांची और बुंदू। रांची के दो सब डिवीजन है। रांची झारखंड की राजधानी है। रांची में बहुत सारे झरने पाए जाते हैं। रांची के मेजर मेजर अगर वाटरफॉल की बात करेंगे, जोन्हा, हुंडरू और दसम, ये रांची के मेजर मेजर वाटरफॉल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रांची में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है, झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रांची जिले में ही पाया जाता है, और रांची में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी, साक्षरता दर भी पाई जाती है। ठीक है, आइए। हाल ही में रांची स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय को, यानी अर्का जैन यूनिवर्सिटी को, लेकिन यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, रांची नहीं होगा, अर्का जैन विश्वविद्यालय के बारे में, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में है। अर्का जैन विश्वविद्यालय पूर्वी सिंहभूम में है, यहाँ पे रांची दिया हुआ है। तो हाल ही में पूर्वी सिंहभूम जिले के स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय को, पूर्वी सिंहभूम में नहीं है, पश्चिमी सिंहभूम में है, अर्का जैन पश्चिमी सिंहभूम में है, वेस्ट सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में है अर्का जैन विश्वविद्यालय, और इसे टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कितनवा स्थान दिया गया है? तो टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अर्का जैन विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्का जैन विश्वविद्यालय को टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तीसरा स्थान दिया गया, थर्ड पोजीशन दिया गया है, और टॉप 5 में शामिल होने वाला ये झारखंड का इकलौता क्या है? झारखंड का इकलौता यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। अगर बात करेंगे, पहला पोजीशन किसे दिया गया है? वीआईटी अमरावती को। सेकंड पोजीशन की बात करेंगे, आरबी यूनिवर्सिटी बैंगलोर को। थर्ड पोजीशन की बात करेंगे, अर्का जैन यूनिवर्सिटी रांची। ठीक है, ये रांची नहीं होगा, बार बार यहाँ पे रांची दिया है, ये होगा वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, यानी कह सकते हैं अर्का जैन विश्वविद्यालय झारखंड। ठीक है, तो अर्का जैन विश्वविद्यालय की बात करेंगे, ये है अर्का जैन विश्वविद्यालय, आप देख सकते हैं अर्का जैन विश्वविद्यालय को, और ये बेसिकली कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पे है? ये वेस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, चलिए। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2017 में। अर्का जैन विश्वविद्यालय, अर्का जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए। तो यही आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। देखिए, झारखंड में अभी रिसेंटली ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं बन रहे हैं, जो भी करंट अफेयर्स बने हैं आप लोगों के साथ आज के क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, यही कुछ करंट अफेयर्स थे आज के क्लास में जिसके बारे में हम लोग देखे हैं। और बात करेंगे, आपको कल के क्लास में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जानुम सिंह सोई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो राज्य के किस शहर के निवासी हैं? तो जानुम सिंह सोई को वर्ष 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और ये चाईबासा की रहने वाली है, पश्चिमी सिंहभूम की रहने वाली है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चाईबासा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस कोल कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लागू किया गया है? तो कौन से कोल कंपनी के द्वारा अपने इंप्लॉयज के लिए ड्रेस कोड जो है वो लागू किया गया है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो भी इसका सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे, और कमेंट करने के बाद आप लोग जल्दी से बताएंगे कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास। आई होप सो कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे डेली झारखंड के करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह 5 बजे, जिसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।